चलो, ये समझ आ गया एयर का क्या काम है, सॉरी ऑयल का, जो भी पंप हमने दिया है उसका क्या काम है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है सिलेंडर हेड। जो सिलेंडर हेड है ये वाला पोर्शन है, ओके। देखो सिलेंडर हेड कवर एंड सिलेंडर हेड, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो वॉल की पोजीशनिंग होती है वो दोनों को मिला के होती है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पार्ट जो है वो वॉल का यहाँ रहेगा एंड थोड़ा सा पार्ट जो है वो सिलेंडर हेड में रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है गाइज कि सिलेंडर हेड जो है इसमें वॉल्स की पोजिशनिंग होगी, एंड जो बचा हुआ पार्ट है वॉल्स का वो कभी भी कहाँ रहता है, सिलेंडर हेड के कवर में, ठीक है। अभी देखो होता क्या है कि सिलेंडर हेड जो है इट इज द इमीडिएट पार्ट ऑफ आर पिस्टन ब्लॉक, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको, जैसे ये रफ कर देता हूं मैं, ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ यहाँ अपने पिस्टन्स होते हैं, ठीक है। ये पिस्टन क्या करते हैं गाइस, रेसिप्रोकेट करते हैं, पिस्टन करते हैं रेसिप्रोकेट। अभी होता क्या है कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ये जस्ट ऊपर इसके फिटेड है, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि जहाँ पे भी दो स्क्रू जॉइंट्स हो गए बीच में गैस्केट लगता है। तो देखो यहाँ पे एक हेड गैस्केट आ गया, दिख रहा हैड गैस्केट क्यों है, क्योंकि जहाँ पे भी जैसे देखो यहाँ ये डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ गास्केट, ठीक है। तो गास्केट का रोल ये क्या है कि जहाँ पे दो पार्ट्स किससे जॉइन है, दो पार्ट्स स्क्रू जॉइंट से हमने कनेक्ट किया है, तो वहां आपको गास्केट लगेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, लीक जो है वो प्रिवेंट करना है। ओके, तो अभी होता क्या है गाइस कि यहाँ पे ये गास्केट भी किसका होगा, दिस इज अ मेटालिक गास्केट अगेन। मेटालिक गास्केट जो होते हैं वो रबर गास्केट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आई होप सबको समझ रहा है गास्केट का मतलब क्या है, राइट। तो एंड ये जो आगे आता है गाइस, ये है अपना मेन सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक, जिसमें क्या होंगे, पिस्टन्स होंगे। पिस्टन क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इधर एक साइड में गाइस वाटर पंप भी होता है। वाटर पंप क्यों है, देखो इंजन को क्या लगती है, कंटिन्यूअसली कूलिंग। इंजन को किसकी जरूरत होती है, कूलिंग की जरूरत होती है। तो ये कूलिंग कभी भी कौन देता है, कूलिंग देता है वाटर पंप, ओके। अभी ये जो वाटर पंप है गाइज, वाटर पंप है, ये कहाँ जाता है, इस डिरेक्शन में। इसका जो फ्लो होता है ये भी एक पाथ फॉलो करता है, देखो ये ऐसा है, पाथ होता है जनरली, और ये पूरा जो भी सिलेंडर ब्लॉक होता है गाइज इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, ओके। एंड फाइनली ये कहाँ जाएगा गाइज, इसका आउटलेट जो है वो होता है रेडिएटर की तरफ, मतलब यहाँ से वो निकलेगा एंड जाएगा रेडिएटर की तरफ। और ये जो रेडिएटर है, रेडिएटर के पास जाने से पहले मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो सेंस किया जाता है। यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर भी होता है, ओके। ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये क्या करेगा, टेम्परेचर सेंसर बेसिकली देखेगा कि इसका जितना टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड लिमिट से कम है या ज्यादा है। अगर रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा है तो वो उसको क्या कर देगा, रेडिएटर में भेज देगा। रेडिएटर कहाँ होता है, जनरली जो भी बॉडी होती है कार की या फिर ट्रक की, उसके सामने। क्यों, क्योंकि उसे क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए, क्या चाहिए, एयर कूलिंग चाहिए, एयर कूलिंग, राइट। अभी ये जो एयर कूलिंग है इसका बेनिफिट क्या है, एंड देखो अभी रिसेंटली जो भी बाइक्स आ रही है या फिर रिसेंटली जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उसमें जनरली आप देखोगे कि इंजन अभी ऑयल कूल्ड होने लगे। पहले इंजन क्या थे, एयर कूल्ड थे, क्योंकि एयर का जो कोएफिशिएंट होता है गाइस, आप शायद हीट ट्रांसफर पढ़े होंगे या फिर इस सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो एयर का जो फ्लो होता है या फिर एयर का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ऑयल। तो ऑयल में यू विल फाइंड कि ज्यादा रेट से हीट ट्रांसफर होता है, इसलिए कूलिंग जो है वो फास्ट होती है। और जितना आपका इंजन प्रॉपर टेम्परेचर के लिमिट्स में रहेगा उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हीट ट्रांसफर होता है, इस ट्रांसफर को रेगुलेट करने के लिए आप एयर कूलिंग या फिर ऑयल कूलिंग देते हो, ठीक है। अभी एयर कूलिंग अगर आप दोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सस्ता होगा इंजन, क्योंकि एयर कूलिंग मतलब उसमें एक्सटर्नल अपैरेटस कुछ नहीं है। अगर आप ऑयल कूलिंग देखते हो तो ऑयल कूलिंग में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप एडिशनल पंप्स लगा रहे हो, ऑयल आ रहा है, इसके वजह से क्या होता है गाइस, इसके वजह से जो कॉस्ट होती है ओवरऑल वो बढ़ जाती है।
तो ये रेडिएटर का काम यही है कि जो भी वाटर आ रहा है उसको क्या करे वो, उसको वो प्रॉपर टेम्परेचर पे लाए, एंड इसी वाटर को फिर से हम कहाँ सर्कुलेट करने वाले हैं, अपने पिस्टन ब्लॉक में या फिर सिलेंडर ब्लॉक में। ठीक है, ओके। एट द एंड गाइज, इस साइड में होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। आप देख सकते हो ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का काम क्या है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का काम ये है कि जो भी एग्जॉस्ट आ रहा है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से सीधा एग्जॉस्ट बाहर, इंजन के बाहर नहीं जाएगा। इट विल हैव सेट ऑफ एसेसरीज। ठीक है, ये जो एसेसरीज है गाइस, आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कैटलेटिक कन्वर्टर होता है, उसके बाद मफलर होता है, ये सब चीजें जो है वो लगती है कहाँ, ये जो अपना एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है इसके आगे। एंड इसके वजह से होता क्या है कि आपका जो, देखो ऐसा है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं एग्जॉस्ट करने के, कोई भी गैस का अगर आपको एग्जॉस्ट बनाना है, लेट इट बी एनी इंजिन, अगर ये आईसी इंजिन है तो भी, अगर ये ईसी इंजन है तो भी, दोनों में ही यू विल फाइंड कि टेम्परेचर जो है वो कम से कम होना चाहिए, एमिशंस जो है वो कभी भी कम होने चाहिए या फिर एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें जो होती है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, तो एग्जॉस्ट में ये जो है ये नॉर्म्स सेटल करने के लिए यू विल फाइंड कि एग्जॉस्ट जो मैनिफोल्ड है इसके आगे आपको कुछ डिवाइसेस लगते हैं। ठीक है, एंड ये डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इस डिवाइस में, इस डिवाइस इसके बाद जनरली अगर मैं बताऊं गाइस, आपको कैटलेटिक कन्वर्टर लगता है एंड मफलर लगता है। कैटलेटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है? कैटलेटिक कन्वर्टर जनरली एमिशन को कंट्रोल करता है, एमिशन को रिड्यूस करेगा। मफलर जो है गाइस नॉइस को रिड्यूस करेगा, एंड इसके पहले एक कूलिंग सिस्टम भी होगी, वो क्या करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। तो एक कंप्लीट सेटअप होता है, एक कंप्लीट अरेंजमेंट होती है जिससे जो भी एग्जॉस्ट के नॉर्म्स है उनको एडजस्ट किया जाता है, एंड फाइनली एग्जॉस्ट जो है वो बाहर छोड़ देते हैं। ओके, अभी आपको क्या पता चलेगा कि जो भी गास्केट है, जो भी गास्केट है, जैसे यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आया, ये एक बोल्टेड असेंबली है, राइट, तो यहाँ पे भी एक गास्केट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे सिलेंडर हेड था, तो इधर भी एक गास्केट है, इधर भी एक गास्केट है, इधर एक गास्केट है, तो जहाँ जहाँ सेपरेशन होंगे वहाँ भी गास्केट रहता है, जैसे यहाँ पे भी गास्केट है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया कि एग्जैक्टली इंजन का असेंबली क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में गाइस, इस डायग्राम को आप रफली बना लो। ठीक है, इस डायग्राम को रफली बना लो, जितने भी पार्ट्स हैं उनका सिर्फ नाम लिख दो, दैट इज मोर देन इनफ। ये इसको ऐसा 3D बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रफली बनाओ अपने 2D डायग्राम की तरह। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये इस पूरे पार्ट्स में अपनी पूरी सिस्टम डिवाइडेड है, दैट्स इट। इसी को आपका जो भी नॉमेनक्लेचर है वो लिखना है, तो फिर हम लोग इस डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज अ 2D डायग्राम, ओके, तो प्लीज इसको बना लो आप। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम। गाइस आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? इसको फिर से शेयर करना पड़ेगा शायद।
है क्या सब कुछ स्क्रीन विजिबल है अभी? सर ये राइट साइड की जो डायग्राम है वो कौन सी है? हेलो 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 तो आई गेस आपने खत्म कर लिया है एक रफ डायग्राम। तो हम आगे अभी देखते हैं गाइस कि ये जो 2D डायग्राम है व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो। देखो देखो इस डायग्राम में यू विल फाइंड कि कुछ एलिमेंट जो है वो सिर्फ जो जो हमने इस डायग्राम में स्टडी किया वैसे ही है, सिर्फ आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर होंगे। वो अभी देखो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था वाटर कूलिंग, ना वाटर कूलिंग अपैरेटस ये है, ठीक है। मतलब ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, जहां भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वहां पे सिर्फ वाटर है, ठीक है। वाटर कहाँ से आ रहा है? मैंने बोला था वाटर का पंप होता है, राइट। और ये जो पंप होता है, इसी पंप में आपको पता चलेगा कि ये जो पंप है वो इस कैविटीज में क्या कर रहा है, वाटर को सप्लाई कर रहा है। अभी ये कैविटीज आने की वजह से यू विल फाइंड कि जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वाटर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है एंड एब्जॉर्ब करके आगे कहाँ जाएगा, इट विल गो टू रेडिएटर, जहाँ पे वो क्या होने वाला है, ठंडा होने वाला है फिर, ठीक है। तो जो जितने भी ग्रीन जगह आपको दिख रही है इट इज नथिंग बट बेसिकली वाटर सप्लाई, ठीक है। एंड जितनी भी रेड पार्ट आपको दिख रहा है, देखो ये जो रेड पार्ट है ना, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये क्या है, एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो वो उसको हमने रेड कलर से बताया है। वेयर जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, ब्लू पार्ट ये क्या है, इनलेट पोर्ट है। इनलेट पोर्ट से जितना भी फ्यूल प्लस एयर आई है वो क्या दिखाया हमने, यहाँ दिखाया, ठीक है। ओके दोस्तों, ये स्पार्क प्लग दिख रहा है आपको, स्पार्क प्लग कौन सा इंजन में होगा? सिर्फ SI इंजन में होगा। CI इंजन में देयर वोंट बी एनी स्पार्क प्लग, ठीक है। चलो तो अभी हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स है। देखो वैसे तो आपने ऑलमोस्ट सभी पार्ट हमने देख लिया, ओके। देखो यहाँ आप देख सकते हो ये जो पार्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट कनेक्टिंग रॉड, ओके। ये क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट है। हाँ ये शाफ्ट अगर देखे तो शाफ्ट यहाँ है स्पेसिफिकली, और ये ना लोब होता है, लोब जो बैलेंसिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट क्रैंकेज, ये क्रैंकेज है। यहाँ पे एक्चुअली ना ऑयल भी स्टोर होता है, जो हमने यहाँ देखा है ऑयल का जो गास्केट है तो फिर ऑयल का जो टैंक है वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे है। इसको बोलेंगे सिलेंडर हेड, ये क्या है अपना सिलेंडर हेड है। सी दिस इज द कूलिंग वाटर पार्ट एंड दिस इज सिलेंडर हेड एंड इस ये अपना पिस्टन है। देखो पिस्टन में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइंस है ना गाइस, ये क्या है, जिसका नाम है पिस्टन रिंग्स। क्या है ये? पिस्टन रिंग्स, ठीक है। देन हियर अगेन स्पार्क प्लग एंड दीज आर नथिंग बट दिस इज आर कैम। ये ना ये दिख रहा है आपको, ये स्प्रिंग है गाइस। क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग का यूज क्या है कि अगर उसको देखो ऐसा होता है कि कैम इसको पुश तो कर देता है इस डायरेक्शन में, बट इसको वापस कौन लाता है, इसको वापस कभी भी कौन लाता है, स्प्रिंग लाती है, ठीक है। तो स्प्रिंग एक तरह से कैम को अपोज करने का ट्राई करती है एंड कैम का जो भी मोशन हुआ है उसको फिर से जो पहली पोजिशन थी उस पर आने का काम कौन करेगा, स्प्रिंग करेगा। एंड स्प्रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और जनरली आपका अगर मिस फायरिंग हो रहा है इंजन में, इसका मतलब आपका स्प्रिंग जो है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं गाइज, ये तो जनरल वर्किंग था गाइज। अभी हम देखते हैं कि फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, या फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पार्क इग्नाइटेड एंड कंबशन इग्नाइटेड में साइकिल्स कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्पार्क इग्निशन, यहाँ लिखता है कंप्रेशन इग्निशन, तो ये ऐसा आता है डायग्राम। अच्छा डायग्राम चलो वही बना लेता हूँ, इसी को खींच लेता हूँ। दोस्तों दोनों ही में फोर स्ट्रोक इंजन ही है, यही मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अभी यहाँ आप देखोगे तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन इग्निशन एंड स्पार्क इग्निशन क्या है। इधर आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है वो फ्यूल का है, पेट्रोल, और यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली डीजल, ठीक है। एंड तो आपको पता चलेगा कि और एक डिफरेंस है, इट इज नथिंग बट ऑफ इग्निशन टाइप। मतलब यहाँ आप ना गाइस ये जो स्पार्क प्लग लिखा है ना, इसके जगह पे फ्यूल इंजेक्टर होता है। क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग नहीं होता, ठीक है। अभी हम लोग ना गाइस प्रोसेस देख लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस कैसी होगी, एग्जैक्टली इग्निशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। अभी देखते हैं गाइस, ऐसा होगा कि बाहर से एयर आती है, ठीक है, बाहर से एयर आती है। यहाँ ना एयर, यहाँ पे एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या है, एयर फिल्टर। क्या है? एयर फिल्टर। एंड एयर फिल्टर के आगे एक डिवाइस होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड इसको बोलते हैं कार्बोरेटर। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोरेटर। अभी जो कार्बोरेटर है वो पहले के जमाने में हुआ करता था, अभी आप देखोगे कि अभी ऑलमोस्ट सब जगह से कार्बोरेटर चले गए। बट ये कार्बोरेटर का फंक्शन क्या था वो हम पहला समझ लेते हैं। देखो ऐसा होता है, मैंने आपको जैसे बोला ये क्या आ गया गाइस, दिस इज एयर फिल्टर एंड दिस इज कार्बोरेटर, ठीक है। तो ये कार्बोरेटर जो है, ये कार्बोरेटर से ये फाइनली फ्यूल जो है वो अंदर जाता है, ठीक है। कार्बोरेटर जो है गाइस वो कनेक्टेड होता है फ्यूल टैंक को, इसको फ्यूल टैंक को। अभी टाइप ऑफ कार्बोरेटर जो है बहुत सारे अलग अलग कार्बोरेटर्स प्रेजेंट है। जनरली जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कार्बोरेटर्स का रोल कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। एयर फिल्टर का काम क्या है? एयर फिल्टर का काम एक ही है कि जो भी एयर है उसमें डस्ट जो है उसको रिमूव कर दे, ठीक है। कम्प्लीटली रिमूव तो नहीं हो पाएगी, थोड़ा बहुत डस्ट तो रह ही जाता है, बट स्टिल जितना भी रिमूव हो सकता है उसको रिमूव करने का काम किसका है? एयर फिल्टर का, ठीक है। अभी जो कार्बोरेटर है गाइज, इस कार्बोरेटर पे आपको पता चलेगा कि कार्बोरेटर का काम एक्चुअली है फ्यूल को कंट्रोल करना, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है। अच्छा आप सब लोगों ने वेंचुरी मीटर सुना है नाम? रिप्लाई दो। यस वेंचुरी सुना है, और बाकी किसी ने? एक ही ने सुना है क्या सिर्फ? यस, तो वेंचुरी मीटर ही होता है गाइस। अगर मैं कार्बोरेटर की बात करूं तो देखो कार्बोरेटर अगर मैं बनाऊं तो ये एक तरह से वेंचुरी ही होता है, एंड यहाँ पे ये इधर आएगा फ्यूल का सप्लाई। ये फ्यूल का सप्लाई कहाँ आ रहा है? फ्यूल का सप्लाई आ रहा है फ्यूल टैंक से, फ्यूल टैंक से। ओके गाइस, फ्यूल टैंक से अगर सप्लाई आता है तो यू विल फाइंड कि इधर से क्या आ रही है गाइस? एयर आ रही है। हाँ, इधर से एयर आ रही है। कहाँ से आ रही है वो एयर? एयर फिल्टर से। और जैसी एयर जो है वो यहाँ आती है, आपको पता है कि वेंचुरी मीटर में यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कभी भी मिनिमम प्रेशर। क्या होता है? मिनिमम। उस मिनिमम प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो भी फ्यूल टैंक में फ्यूल है वो सक किया जाता है, वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा कार्बोरेटर के इस पॉइंट पे। ओके एंड गाइज, ये क्या हो जाता है? फाइनली एयर के साथ मिक्स होता है, एंड आगे जब जाता है ना तो इसको बोलते हैं एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर। और यही एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर अभी कार्बोरेटर से बाहर निकला। इसमें एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर में क्या क्या है गाइज? ऑब्वियसली एयर है एंड पेट्रोल है। फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं? पेट्रोल।
तो पेट्रोल के ना उसमें पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स है, कंप्लीट पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, पेट्रोल के क्या है ड्रॉपलेट्स। अभी ये जो ड्रॉपलेट्स है या फिर इनको अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं गाइस तो इनको बोलते हैं ऑटोमाइज्ड पार्ट, ऑटोमाइज्ड पार्टिकल्स। ये जो ऑटोमाइज्ड पार्टिकल्स है वो कहाँ से आए, वो आ रहे फ्यूल टैंक से, और फ्यूल टैंक से वो जैसे ही इधर आते हैं ना, यहाँ पे प्रेशर इतना कम है को किसको इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ऑटोमाइज पार्टिकल्स में। ठीक है, अभी जो ऑटोमाइज पार्टिकल्स है वो आएंगे यहाँ, दोनों मिक्स होते हैं फाइनली वो एयर के साथ। देखो ऑटोमाइज अगर हो गया मतलब इतने छोटे हो गए कि वो अभी एयर के मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो सकता है, तो इस मिक्सिंग के वजह से यू विल फाइंड कि अभी इसके इनपुट पे, किसके इनपुट पे, ये जो पार्ट है ये, इसके इनपुट पे आपको मिलता है एयर प्लस पेट्रोल ऑटोमाइज, राइट। अब ये एयर प्लस पेट्रोल ऑटोमाइज कब अंदर जाएगा, जब ये वॉल ओपन हो गया। कौन सा वॉल है, इंटेक वॉल, इंटेक वॉल ओपन हुआ ये इधर आया, इंटेक वॉल ओपन होते ही आ गया इधर। ठीक है, अभी आपको पता चला कि इधर ये आने पे क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। अभी सक्शन स्ट्रोक कब तक चलेगा, सक्शन स्ट्रोक चलेगा जब तक ये जो पिस्टन है ये कंप्लीट अपने बॉटम पार्ट पे नहीं आ जाता। एक बार ये बॉटम पार्ट पे आ गया तो यू विल फाइंड कि पूरा जो भी वॉल्यूम है उसमें क्या भरा पड़ा है, उसमें सब में क्या है, उसमें सब में है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। अभी ये एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है, इसको ना मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा गाइस, अभी नेक्स्ट स्ट्रोक होने वाला है कंप्रेशन। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है तो पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो पिस्टन कहाँ पहुंच गया, अभी पिस्टन कंप्लीट, पिस्टन जब कंप्लीट अपना कंप्रेशन स्ट्रोक कर लेता है ना, तो लेट्स से गाइस वो कहाँ पहुंच गया, एकदम ऊपर यहाँ आ गया पिस्टन। ओके, एंड ये ब्लैक कलर में अभी अपने पास क्या है, ये क्या है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। ठीक है, अभी ये एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अगर कंप्रेस हो गया, अगर क्या हो गया, ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने से आपको क्या पता चलता है कि अगर ये कंप्रेस हो गया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ऑब्वियसली प्रेशर तो बढ़ेगा ही इसका, बट इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अभी ये टेम्परेचर बढ़ने से बेनिफिट क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से बेनिफिट क्या है, हमें क्या करना था, यहाँ पे इग्नाइट करना था, यहाँ पे क्या करना है, इग्निशन करना है। टेम्परेचर अभी बढ़ चुका है, लेकिन गाइस यू विल फाइंड कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी एक इशू है, अभी भी टेम्परेचर, देखो अगर कम्बशन होना है, अगर कम्बशन होना है तो टेम्परेचर को क्या होना जरूरी है, टेम्परेचर को कभी भी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है एक, उसके इक्वल होना जरूरी है। और ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कब आता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कब आता है, जब आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर लेवल होती है किसी भी फ्यूल की। जैसे अगर मैं डीजल की बात करूँ तो डीजल के लिए ऑटो इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम है, वेरस पेट्रोल के लिए ऑटो इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। तो आप देखोगे कि हमने कंप्रेस भी कर दिया पूरे एयर प्लस फ्यूल को तो भी अभी तक उतना टेम्परेचर रीच नहीं हुआ है, तो मुझे ना एक एक्सटर्नल सप्लाई देने की जरूरत है या फिर एक एक्सटर्नल एनर्जी पुश करने की जरूरत है, जिससे होगा क्या गाइस, जिससे टोटल टेम्परेचर जो है, टोटल टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड वो बहुत बढ़ गया मतलब कहाँ तक जाएगा, वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक जाएगा। अभी ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक जाने के लिए कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में क्या होगा गाइस, स्पार्क होता है, एंड ये स्पार्क होने के बाद टेम्परेचर फाइनली कहाँ तक पहुंच जाता है, ऑटो इग्निशन। एंड यहाँ पे क्या होगा, इग्निशन होगा, इग्निशन होने के साथ ही पिस्टन कहाँ मूव करेगा, पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड। पिस्टन जैसे ही डाउनवर्ड मूव करेगा यू विल फाइंड कि अभी पावर जनरेट होने लगा है। ठीक है, पावर जनरेट होने के बाद पिस्टन कंप्लीट कहाँ चला जाता है, बीडीसी पे चला जाता है। और जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे चला गया, आप देखोगे कि अभी जो गैस है ना उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट साइकिल के लिए एक फ्रेश गैस लेना है, उसमें फ्रेश मिक्सचर होना चाहिए, फ्रेश पेट्रोल होना चाहिए। अब ये जो फ्रेश पेट्रोल है ये कैसे होगा, जैसे अभी आपको एग्जॉस्ट करना है, इसलिए क्या करना है, एग्जॉस्ट करना है मतलब जो भी एग्जॉस्ट वाल है ना उसको ओपन करके, उसको ओपन करके बाहर फेंकना है। ठीक है, अभी जैसे ही एग्जॉस्ट वाल ओपन होता है, जितना भी एग्जॉस्टेड पार्ट था वो अभी कहाँ जाने वाला है, बाहर जाने वाला है। एंड यू विल फाइंड कि अभी नया फ्यूल,
एंड नई एयर जो है वो आने के लिए रेडी है। ठीक है, तो गाइस ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब मिला के हुआ चार स्ट्रोक में, किसमें? चार स्ट्रोक में। एंड यहाँ पे हमें हेल्प लगा किसका? यहाँ पे हेल्प लगा हमें स्पार्क प्लग का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्पार्क इग्निशन इंजन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं बात करूँ कंप्रेशन इग्निशन इंजन की, तो क्या क्या चीजें इसमें अलग होती है? तो गाइज अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, इधर देखते हैं, तो जैसे मैंने बताया था पहला चीज जो अलग है वो क्या है यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट, दिस इज नॉट अ स्पार्क प्लग, यहाँ पे होगा फ्यूल इंजेक्टर। क्या होगा? फ्यूल इंजेक्टर। अभी ये जो फ्यूल इंजेक्टर है गाइज ये क्या काम करता है? फ्यूल इंजेक्टर का बेसिक यही काम है कि जो चीजें कार्बोरेटर कर रहा था वो सब चीजें यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर करेगा, क्योंकि दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग अलग है। चलो अभी समझ लेते हैं कि कैसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है वो वर्क करेगा। गाइज लेट्स से यहाँ पे क्या है, देखो सब में एयर फिल्टर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर के सिवा तो काम चलेगा नहीं। एयर फिल्टर होने के बाद कहाँ गई वो? सक्शन स्ट्रोक के साथ कहाँ चली गई? वो पिस्टन के अंदर चली गई, यहाँ ये एयर है। अभी होगा क्या गाइज, आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ एयर है, सिर्फ क्या है? एयर है, फ्यूल अभी तक आना बाकी है। तो फ्यूल एग्जैक्टली कब आता है? देखो इधर देखो, ऐसा होगा कि यहाँ जब जब एयर अंदर आ चुकी है, एयर कब तक अंदर आती है? जब तक पिस्टन कहाँ चला जाएगा? अपने बॉटम डेड सेंटर पे, मतलब यहाँ पूरा एयर भर चुका है। अभी कौन सा स्ट्रोक परफॉर्म होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक परफॉर्म होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक परफॉर्म होने के बाद ऊपर गई सिस्टम, एंड फाइनली पिस्टन कहाँ चला गया? इधर चला गया। पिस्टन कहाँ चला गया? इधर। पिस्टन यहाँ चला गया, पिस्टन कौन से? देखो पिस्टन को मैं रेड से, अभी जो कंप्रेशन स्ट्रोक का जो एंड हो रहा है ना, इसमें पिस्टन को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ओके, और जो एयर है अपने पास, एयर को भी रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। देखो ये एयर है, ठीक है। अभी देखो इसमें होगा क्या गाइस, अभी अपने पास सिर्फ एयर बची है, ठीक है, अभी तक फ्यूल आया ही नहीं है, कंप्रेशन पूरा हो गया, अब तक फ्यूल आया ही नहीं है। लेकिन ये जो एयर है ना गाइस, इसकी अभी स्पेशलिटी क्या है कि ये नॉर्मल एयर नहीं है, ये एयर है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी एयर में अगर मैं, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, सच में ऐसा नहीं कि 50 डिग्री 100 डिग्री है, इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 600-700 होगा, ठीक है। अभी होता क्या है कि जब भी जैसे ही इस टेम्परेचर पे मैं फ्यूल को इंजेक्ट करता हूँ, जैसे ही इस टेम्परेचर पे मैं फ्यूल को इंजेक्ट करता हूँ, कहाँ से होगा वो? फ्यूल इंजेक्टर के लिए गाइज यहाँ पे एक सेंसर होता है। क्या होता है? सेंसर। ये सेंसर एक फ्यूल पंप को ऑपरेट करता है। किसको? फ्यूल पंप। अरे फ्यूल पंप किसको सिग्नल देता है? फ्यूल पंप सिग्नल देता है फ्यूल इंजेक्टर को। अभी होगा क्या कि फ्यूल पंप ने जितना भी सिग्नल दिया है वो रिसीव करेगा फ्यूल इंजेक्टर। कैसे? कौन से बेसिस पे? कि कंप्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सब सेंसर कंट्रोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एरर आने के चांसेस नहीं है। तो जैसे ही आपको पता चला कि पिस्टन जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे आ चुका है एंड मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, एयर का टेम्परेचर बढ़ चुका है, प्रेशर भी बढ़ चुका है, तो ऊपर से जो भी अपना फ्यूल इंजेक्टर है वो क्या करता है? फ्यूल को इंजेक्ट करता है। इट इज एट वेरी हाई प्रेशर, मतलब अगर प्रेशर की बात करूँ गाइस, तो प्रेशर इज ऑलरेडी अप टू 600 bar, तो इतना ज्यादा प्रेशर, सॉरी इट इज नॉट 600 bar, इट्स अराउंड, मतलब वो किलो पास्कल में 600, थोड़ा उसको, तो इट इज अराउंड 120 to 60, 70 to 120 bar, ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज हो जाता है। वेयर इज इनलेट जो था गाइज, इनलेट इज अराउंड 1 bar, इनलेट कितना था? 1 bar के अराउंड होता है। वेयर एज जो फ्यूल इंजेक्शन है, फ्यूल इंजेक्शन कितने पे हो रहा है? 60 to 100 bar के बीच में। ये डिपेंड करता है फ्यूल पंप कैसे सिग्नल भेज रहा है। तो अभी आप देखोगे कि जो भी फ्यूल इंजेक्शन हो गया है, इसके वजह से क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है अंदर? कुछ ऐसे हो रहा है गाइस, देखो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ सिस्टम जिसमें क्या है गाइस? एयर है, एयर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने क्या कर दिया, फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया, जैसे ही मैंने फ्यूल को क्या कर दिया, देखो फ्यूल को यहाँ मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया। अभी आपको पता चला कि ये फ्यूल जो है वो कौन से पार्ट में है, ऑटोमाइज पार्ट में है, और ऑटोमाइज पार्ट में होने के वजह से ये इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या करेगा, इजीली हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही इजीली हीट एब्जॉर्ब हो गई, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। फ्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद फाइनली वो कहाँ तक चला जाएगा, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक, कहाँ तक, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक। एंड जैसे ही ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक जाता है, आपको क्या पता चला, इधर इधर क्या हो गया, इग्निशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये गाइस बेसिक डिफरेंस है अपना जो स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसमें। तो जैसे ही इग्निशन हो गया, आपको पता चलेगा कि अभी मैक्सिमम फोर्स जो है वो सिस्टम पे आ गई है, एंड अभी क्या होने वाला है, एक्सपांशन स्ट्रोक होने वाला है, क्या होने वाला है, एक्सपांशन स्ट्रोक, एंड फाइनली एक्सपांशन होता है सिस्टम का, एनर्जी जनरेट होती है, एंड देन इट विल जनरेट पावर फॉर यू, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था गाइज स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। तो अगर कोई डिफरेंस पूछे तो अगर मैं बताऊं आपको, तो फिर से देखो सुनो, ऐसा होगा कि स्पार्क इग्निशन इंजन में कभी भी सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल यूज हो रहा है, इधर डीजल फ्यूल यूज हो रहा है, ओके, उसके बाद इधर स्पार्क प्लग है, इधर फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है, उसके बाद इधर क्या है, इधर कार्बोरेटर था, इधर क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है, या फिर उसके जगह पे पंप लगा दिया है। एयर फ्यूल फिल्टर जो है वो दोनों में सेम होता है यार, एयर का जो भी फिल्टराइजेशन होने वाला है वो दोनों में ही होता है, उसकी जरूरत ही है, ओके। एंड इधर क्या होता है गाइस, इधर जो इनपुट जा रहा है, इनपुट जा रहा है सक्शन में, वो क्या है, इनपुट है एयर प्लस फ्यूल दोनों। यहाँ पे इनपुट क्या है गाइस, यहाँ पे सिर्फ एयर ही है इनपुट, क्योंकि फ्यूल बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है गाइस किसमें, बेसिक स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, ओके। किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके, तो अभी हम कुछ जान लेते हैं अबाउट फ्यू स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंजन। तो गाइज अगर मैं इंजन की जनरल बात करूं तो कुछ वॉल्यूम्स होते हैं या फिर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो पिस्टन तो का खैर क्या करेगा, वो रेसिप्रोकेट होगा, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि पिस्टन जो है वो मैक्सिमा यहाँ तक जाता है, ओके, एंड वो मिनिमम कहाँ तक आ सकता है, वो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इधर ये एक वॉल्यूम होता है, ये टोटल वॉल्यूम, देखो इसको क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये जो छोटा सा पार्ट है, अच्छा ये कौन सा पार्ट है गाइस, दिस इज नथिंग बट टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर के ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। तो ये जो भी वॉल्यूम बचता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके। तो टोटल वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, डिफरेंस क्लियर है, ओके। अभी अगर मैं ये टोटल वॉल्यूम जो है, देखो ये टोटल वॉल्यूम में क्लियरेंस वॉल्यूम का अगर हटा दूं, तो ये जो वॉल्यूम बचता है गाइस, को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके। तो अगर मैं इसको फिर से एक डिटेल डायग्राम बनाऊं, तो इसकी कुछ लिमिट्स होंगी। अगर ये टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर है, ये बीडीसी है, तो गाइज ये जो वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ क्लियरेंस वॉल्यूम,
जो बचा हुआ वॉल्यूम है गाइस इसको बोलता हूँ स्वेप्ट वॉल्यूम. क्या बोलता हूँ? स्वेप्ट वॉल्यूम. ये जो डिस्टेंस होता है गाइस इसको बोलता हूँ मैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक. लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या बोलता हूँ? लेंथ ऑफ स्ट्रोक. ये जो वॉल्यूम है इसको क्या बोल रहे हैं? क्लियरेंस. एंड इसको क्या बोल रहे हैं? स्वेप्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, ओके. देखो, हाँ, अगर इंटेक होता है ना गाइस, सक्शन हो रहा है, तो यू विल फाइंड कि सक्शन जो है वो कभी भी कितना होता है? टोटल होता है. ठीक है, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम में भी क्या होगा? एयर आएगी. स्वेप्ट वॉल्यूम में भी एयर आएगी. वेरे अगर एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट होता है तो आपको पता है कि पिस्टन सिर्फ यहीं तक पुश कर सकता है. पिस्टन जो है वो यहीं तक पुश कर सकता है. तो आपको क्या पता है कि एग्जॉस्ट में कभी भी क्लियरेंस में जो एयर है यहाँ पे, ये बच जाती है, बच जाती है. ठीक है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों दे रहे हैं? इसका पहला रीजन ये है कि पिस्टन ऑब्वियसली सिलेंडर हेड को हिट नहीं करना चाहिए. पिस्टन शुड नॉट हिट सिलेंडर हेड. पिस्टन ने सिलेंडर हेड को हिट नहीं करना चाहिए. उसके बाद दूसरा क्या है गाइस? दूसरा आपको पता चलेगा, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होने के लिए हम लोग कुछ टाइम दे रहे हैं. थर्मल एक्सपेंशन होने के लिए कुछ टाइम एंड स्पेस दे रहे हैं. अगर ये पिस्टन एक्सपांड हो गया तो यू विल फाइंड कि ये ऊपर वाले डायरेक्शन में एक्सपांड होगा. अगर ये पिस्टन एक्सपांड होता है और लेट्स से ये क्लियरेंस वॉल्यूम हमने नहीं दिया था, तो आपको क्या पता चलेगा कि इधर इसको जगह ही नहीं है एक्सपांड होने के लिए. तो ये क्या करेगा पता है? पिस्टन को पिस्टन डिस्टॉर्ट होगा खुद, एंड सिलेंडर भी डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा. तो ये सब अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ? क्लियरेंस वॉल्यूम देता हूँ. ओके, तो आई गेस ये क्लियर है आपको. वीसी एंड वीएस एंड जो गाइस टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं? Vs plus Vc. तो दोस्तों अगर मैं पिस्टन का डायमीटर ये d अज्यूम कर लूं, या फिर सिलेंडर का डायमीटर ही d अज्यूम कर लूं, तो आई कैन राइट Vs मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम, व्हिच इज 5/4 d स्क्वायर इनटू l. ठीक है, व्हाट इज l? l इज नथिंग बट लेंथ ऑफ स्ट्रोक. l d मतलब डायमीटर. ओके, आई गेस ये क्लियर है. ये कुछ कैलकुलेशन के लिए लगता है हमें, इसलिए मैंने आपको बता दिया. तो ये प्लीज लिख लो आप. ओके गाइस, तो आप सब लोगों ने मतलब एक टाइमिंग कुछ फिक्स किया है क्या? बिकॉज कैसे है, लास्ट टाइम भी अपना टाइमिंग कुछ अलग था, अभी भी कुछ अलग है. तो आपके जो भी बाकी लेक्चर्स भी होंगे उसके हिसाब से अगर हम एक टाइम प्रॉपर शेड्यूल कर ले, देन वी कैन स्टार्ट विथ लाइक फुल पोटेंशियल. तो प्लीज चैट में बता दो कि व्हाट कुड बी द preferred time for you, because 12 o'clock is not at all a proper time according to me.
वीकडेज में कब रख सकते हैं? वीकडेज में तो फिर यार इवनिंग ही हो सकता है ना पॉसिबल, 6:30 ओके। वीकेंड्स में हम मॉर्निंग पे नहीं लग सकते क्या? मतलब जैसे अभी आज का लेक्चर है, लेट्स से 12 बजे से रखने से अच्छा अगर मैं 10 बजे रखता तो कोई इशू? 4 बजे कहाँ रखूँ? सुबह 8 से 10 चलेगा सैटरडे? हाँ तो सैटरडे हम लोग, अच्छा ठीक है ना, मॉर्निंग चलेगा ना इतना सुबह, मतलब ठीक है 9 बजे रखते हैं यार, 9:30 रखते हैं, नो इशू 9:30 रखते हैं। हाँ ठीक है, 9 to 11 रख देंगे तो इशू नहीं है ना। 8 बजे मत उठो भाई, फिर 9 बजे तो उठ ही जाओगे, और अपना क्या बोलता है ऑनलाइन लेक्चर है तो यहाँ पे आप मतलब बिना नहाए बिना कुछ किए तो बैठे तो भी कुछ इशू नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा है कि 10 बजे नहीं उठना ये अच्छी बात नहीं है, बुरी आदत है। ठीक है तो ठीक है, 9 रख देता हूँ मैं, मैडम को 9 ही बोलता हूँ, 9 से 11 विल बी फाइन ओके मेरे ख्याल से। ठीक है चलो 9:30 कर देते हैं, 9 दोनों का मतलब बीच में, 10 नहीं भी नहीं एंड 9 भी नहीं, तो 9:30 to 11:30 विल बी फाइन अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है ओके। तो क्योंकि सीन कैसा है, ये जो ऑड टाइम है इसके वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको भी कुछ ऐसे मतलब ऑड लग रहा होगा, मैं 12 बजे कौन लेक्चर लेता है, थोड़ा अजीब है इसीलिए। तो ठीक है फिर हम लोग क्या करते हैं, 9:30 रखेंगे सैटरडे, अभी से मैं टाइम फिक्स कर देता हूँ एंड वैसे ही आपके लेक्चर जो है वो वैसे ही हम लोग शेड्यूल कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ गाइस, सैटरडे मॉर्निंग 9:30 to 11:30 ठीक है ओके। एंड क्या रिप्लाई है, सही है ना? ठीक है सब लोग, तो 9:30 रख दिया मैंने, बट सिर्फ ये सीन है कि आप लोगों ने मतलब सब लोग एडमिशन लिया है या फिर अभी भी कुछ लोग डेमो में ही हैं, क्योंकि फिर बाद में कुछ लोग आएंगे तो वो बोलेंगे कि टाइमिंग चेंज करो, क्योंकि मुझे मतलब बार बार टाइम चेंज करना सही नहीं लग रहा है इसलिए। ओके ओके चलो, तो आप लोग ग्रुप में तो हो सब लोग राइट, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आई विल स्टॉप फॉर टुडे, बट हम लोग वीक में एक लेक्चर लेते हैं ठीक है, वीक डेज में ओके। एंड वीक डेज में एक ही लेक्चर लेंगे जो भी अपना सिलेबस है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंड देन सैटरडे का ये टाइम हम लोग फिक्स कर देते हैं 9:30 to 11:30 ठीक है। अभी मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आप लोगों के कॉलेज स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए? कॉलेज स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए? नहीं हुए राइट। अच्छा हो गए तो भी कितने लोग जाते हैं कॉलेज का, जाते मतलब कितने लोग बैठते हैं कॉलेज? तो ठीक है आपके ग्रुप पे ना मैं एक मैसेज डाल दूंगा यार आपके, अच्छा अटेंडेंस है ना ठीक है, तो भी किसी किसी एक वीक डेज में, जो कमिंग वीक आ रहा है अपना उसमें किसी एक वीक डे में हम लोग शाम को लेक्चर रखते हैं ठीक है 6:30 से, तो मैं ना वैसे आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा तो आप रिप्लाई कर देना वहां पे ओके। एंड अपना जो मॉर्निंग का शेड्यूल है वो तो फिक्स ही है ठीक है। तो गाइज अगेन ये लेक्चर भी इसीलिए था ताकि मुझे फाइनली पता चल जाए कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इन आईसी इंजन, तो आई गेस ऑलमोस्ट 7 पीपल आर इंटरेस्टेड, तो अभी टाइम फिक्स हो गया है एंड इसके बाद कुछ चेंज वगैरह नहीं होगा ओके। तो चलो तो ये क्लियर है सबको, सैटरडे 9:30 एंड दिस वीक। हाँ आपको नोट्स तो दूंगा यार, डोंट वरी। देखो यहाँ सीन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी करने को नहीं बोलूँ, सीधा आपको पीडीएफ या फिर जो भी फॉर्मेट है उसमें नोट्स ही दे दूँ तो वही बेस्ट होगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट है वो तो मैं लिख देता हूँ ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे यही प्रैक्टिस करेंगे कि सबसे ज्यादा जो भी इम्पोर्टेंट है वो समझ ले, आई मीन ऑफ एनिमेशन एंड ऑल ठीक है। अभी खैर तो ये लेक्चर में मैं कुछ एनिमेशन नहीं दिखा पाया क्योंकि मुझे यही देखना था कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वहीं स्टार्ट करेंगे, सब डेटा है मेरे पास तो उसी से
हम एनिमेशन देखेंगे, सिस्टम्स को सीखेंगे भी, ठीक है. लेकिन अभी ये फाइनल कंफर्मेशन है दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक 6:30 सैटरडे 9:30 से लेक्चर होगा मॉर्निंग, ओके. एंड वीकडे में हम कोई एक लेक्चर कर लेंगे सो दैट कंपनसेट हो पाए, ठीक है. तो अभी के लिए लेक्चर एंड कर रहा हूँ. वी विल मीट इन सम वीकडे, ओके, इन कमिंग वीक ओनली, ठीक है, जो कमिंग वीक आ रहा है तब, ओके. 20 से आपको कॉलेज स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब कभी तो, मतलब 6:30 तो आप फ्री होंगे, तो 6:30 पे हम लोग ले लेंगे आईसीई का लेक्चर. एंड वो फुल फ्लेज लेक्चर होगा ऑफ 2 आवर्स, ऐसे एक एक घंटे में नहीं होने वाला. तो आई होप सब लोग ज्वाइन करेंगे एंड मैसेज तो मैं डाल ही दूंगा ग्रुप पे, ओके. तो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर.